अब चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। हेडिंगली लीड्स के ऊपर गेम है और इस वेन्यू के ऊपर लास्ट मैच हुआ था 28 मई को। हाई स्कोरिंग गेम था, वो भी यॉर्कशायर डरम के बीच में गेम था। उसमें डरम आती है और 217 बनाती है 3 विकेट गवा के। फिर जो टीम चेस करने आती है यॉर्कशायर द होम टीम, वो हार जाती है, 189 ही बना पाती है। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको वीडियो में कहा था इस वेन्यू के ऊपर जब भी मैचेस में 200 के ऊपर स्कोर बनते ही हैं, 238, 213, 202, 207 या 8 ओवर का मैच हो गया उसमें 83 बन गया। इट इज़ ए हाई स्कोरिंग वेन्यू, बस आपको इतना याद रखना है 200 के आसपास स्कोर इजिली बनते हैं। छोटा मैदान है, इतना बड़ा भी नहीं है, मैदान के डायमेंशन तो बड़े हैं पर क्या होता है ये मैचेस के अंदर बाउंड्रीज को अंदर ले आते हैं, बाउंड्री रोप्स को, मैंने देखा ये चीज़, दैट्स मैं आपको कह पा रहा हूँ। ये अब देखो इस वेन्यू के ऊपर यॉर्कशायर वाइकिंग्स का होम ग्राउंड है और इस वेन्यू के ऊपर बैटिंग फर्स्ट करते हुए 5 मैचेस जीते गए हैं पिछले 8 मैचेस के अंदर, ठीक है। और यॉर्कशायर वाइकिंग्स ने इस वेन्यू के ऊपर 104 मैच खेला है, 58 मैचेस जीता है। लंकेशायर लाइटनिंग ने 17 मैचेस खेल के यहाँ पे 8 मैच जीता है। प्रति ओवर यहाँ पे 10 के आसपास रन बनते हैं इस सीजन के अंदर। और लास्ट मैच जो था यॉर्कशायर डरम का, उस मैच में 7 विकेट पेसर का था और 2 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स का था। विकेट कॉलम देखो आपको पूरी कहानी समझने आ जाएगी। लास्ट 6 मैचेस के अंदर इस वेन्यू के ऊपर पेसर्स ने 45 विकेट निकाला है। पहली पारी में 20 है, दूसरी पारी के अंदर 25 है। तो जरूरी नहीं है इस वेन्यू के ऊपर पहली पारी में ज़्यादा विकेट गिरे, आप कंपेयर करके देख लो सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा विकेट गिरे। पहली पारी में 3 विकेट गिरा, 7 विकेट गिरा, 5 पहली पारी में, दूसरी पारी में 10, पहली पारी में 5, दूसरी पारी के अंदर 8, पहली पारी में 5, दूसरी पारी के अंदर 7, 8, 4, 8, 1। तो मोस्टली गिरे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है, दूसरी बारी में भी विकेट्स गिरते हैं। जो टीम चेस करती है उस पर प्रेशर आता है। राइट आर्म पेसर का 33 है, लेफ्ट आर्म पेसर का 12 विकेट है। स्पिनर्स की बात करते हैं, 18 विकेट निकाल चुके हैं स्पिनर्स यहाँ पे लास्ट 6 मैचेस के अंदर। अब देखो कैसे निकाला है, पहली पारी में 8 है, दूसरी पारी के अंदर 10 है। तो स्पिनर्स भी यहाँ पे गेम के अंदर आते हैं, इतना नहीं थोड़ा सा। और ऑफ स्पिनर्स का 3 विकेट है, मैं साइड होता हूँ दोबारा, लेग स्पिनर्स का 7, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 3 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का यहाँ पे 5 विकेट है। अब चलते हैं पिच के फोटो की तरफ। ये लास्ट मैच की पिच की फोटो आप देख सकते हो, जब यह लास्ट टाइम यहाँ पर डरम का मैच हुआ था अगेंस्ट यॉर्कशायर, ये तब की पिच की फोटो है 28 मई को जो मैच था। ये देखो आप ऐसी पिच थी, जूम करूँ मैं डायमेंशन देख लो, उससे पहले सामने की बाउंड्री 65 है, सामने छोटी बाउंड्री है, स्क्वायर बाउंड्रीज 72 और 67 है। ये स्टेडियम है ना, ये इस शेप के अंदर है, पहले ऐसे गोल गोल रहेगा पूरा ऊपर ऊपर से, फिर यहाँ पे एकदम लास्ट के अंदर आके सामने की तरफ ऐसे एकदम सपाट हो जाता पूरा, एकदम ऐसे होना ऐसे चाहिए था उस स्टेडियम को, ठीक है लास्ट के अंदर, पर वो एकदम ऐसा जाता है पूरा चपटा, जिसको बोलते हैं ना एकदम दबा दिया जाता है जैसा स्टेडियम हो जाता है। पिच की फोटो देख लो आप, यहाँ पर ऐसी पिच दिखती है, यहाँ पे दिख रही है आपको ऐसी पिच दिखती है। अब चलते हैं एक और फोटो मेरे पास, टेंशन वाली बात नहीं है, देखो आप ऐसी पिच दिखती है यहाँ पे। ये स्टेडियम का व्यू है, इसके लिए बहुत पॉपुलर है स्टेडियम जो आपको ये दिख रहा है डिज़ाइन, ये आप देख सकते हो, बड़ा खूबसूरत मैदान है ये स्टेडियम। इसके साइड में इनका कोई स्पोर्ट्स का है, आप देख सकते हो, बड़ा ही